अतिथियों को गेस्ट पैनल को स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज जो अतिथि हैं, डीके दुबे जी हैं हमारे साथ में, स्वागत करता हूं। आप विशेषज्ञ हैं और संविधान के विशेषज्ञ के लिए आज ज्यादा अपना पक्ष रखने का अवसर है, क्योंकि इस विषय में कानूनी संशोधन क्या संविधान की आवश्यकता है या नहीं, दुबे जी बताएंगे। साथ साथ में हमारे साथ जो सिद्धार्थ दवे जी है, आपका स्वागत है सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ जी इजरायल मामले के जानकार हैं और इसके पहले भी इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान हमने उनको लाइव लिया था। सिद्धार्थ जी आपका स्वागत है। मनराज गुर्जर हमारे साथ है जो कि जानकार हैं और आज के इस कार्यक्रम में अपना पक्ष रखेंगे। सबसे इजरायल के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इजरायली सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से वहां के जिहादियों में खलबली मची हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, देश के प्रति वफादार नहीं रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों की नागरिकता को छीन लिया जाएगा। इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो कि इजरायल के खिलाफ जासूसी और आतंक के साथ जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इजरायल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार देश में आतंकवाद, जासूसी या राजद्रोह सहित देश के प्रति वफादारी का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता को रद्द किया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद से मानवाधिकार संगठनों की भी कान खड़े हो गए। ये फैसला इसराइल में 2008 के नागरिकता कानून को संशोधित कर बनाया गया था। पहले मैं दुबे जी के पास चलता हूँ। दुबे जी, इसराइल के सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को हिंदुस्तान में लागू करने की मांग सुदर्शन कर रहा है और हमारे इस मांग को तत्काल बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। हम ऑलरेडी 2019 के चुनाव के दरमियान इस विषय पर अपना पक्ष रख चुके हैं मजबूती के साथ। देश ने इसका साथ दिया है, उसका परिणाम 19 के वोट में भी मिला है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जो फैसला उनके कोर्ट ने किया है वो फैसला तो बिल्कुल टू द पॉइंट है और दुरुस्त भी है। ये होना भी चाहिए। जो देश का नहीं है उसको सुविधाएं क्यों, वो उसको संसाधन क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि देश है तब ये सारी चीजें हैं ना। अब देश के विरुद्ध अगर काम करते हैं तो ये मतलब नहीं बनता। दूसरी बात, जहां तक मैं समझता हूं, अभी तक जो हमारे पास व्यवस्था है उसमें अगर देशद्रोह के कानून के तहत आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है और आप अभी अदालत अभी अभी बंद हैं, तो जेल के अंदर जो व्यक्ति बंद है उसको वैसे भी वोट डालने का अधिकार नहीं। अनिल देशमुख का मामला अभी हमने देखा और अभी हमने नवाब मलिक का मामला भी देखा और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनुमति नहीं दी कि वो वोट डालें। दूसरा ये भी है कि अगर 124A के तहत कार्रवाई हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कारण भी है कि उनकी नागरिकता रहनी चाहिए। अब समस्याएं बहुत बड़ी ये आएंगी कि उसके पास ये सब कुछ होते हुए भी मुझे लगता है कि पीछे से कुछ बज रहा है, बड़ी तेजी से आवाज आ रही है और आवाज वो फ्लैट कर रही है। बिल्कुल, आप बोलते रहिए। ठीक है, तो ये जो पूरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में क्यों नागरिकता रहे, तो जो समस्या जो रहेगी हमारे पास वो ये है कि नागरिकता हमने खत्म कर दी, जेल में जेल से व्यक्ति छूट गया जो भी उसको सजा मिली थी, उसके बाद हम उसको ले कहां जाएं, उसका होगा क्या? तो परमानेंट रेजिडेंट भारत का रहेगा वो, या फिर बिना वोटिंग राइट के रहेगा, या सुविधाएं उसकी रहेंगी? तो मुझे लगता है कि एक बड़ा काम है इसमें करने के लिए। लेकिन ये तो निश्चित है कि आपको अगर नागरिकता आपकी छीनी, मतलब आप देश के विरुद्ध काम करते हैं तो आपकी नागरिकता नहीं होनी चाहिए, आपकी नागरिकता छीनी ही जानी चाहिए। ये मेरा अपना विचार है। ये आपका विचार है और हमारा भी यही विचार है और मुझे लगता है कि सुदर्शन के करोड़ों दर्शक भी यही चाहते हैं। सिद्धार्थ दवे जी, क्या आपको आवाज सुनाई दे रही है? दवे जी चलिए, सुन पा रहा हूं। हाँ हाँ, बोलिए। इजराइल के आप जानकार है, वहां रहे हैं, नजदीक से देख रहे हैं, इसके पहले भी हमने आपके इजराइल के प्रति ज्ञान को देखा है। वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने दिया हुआ ये निर्णय और हिंदुस्तान की न्यायपालिकाएं कहती है कि हमारे यहां पर ऐसे कानून बंद होने चाहिए। यहां पर गद्दारी अभिव्यक्ति की आजादी में आती है और इसराइल सख्त कानून की बात करके नागरिकता छीनने के लिए सीधे आदेश देता है। आपकी प्रतिक्रिया? सुरेश जी, सुदर्शन न्यूज के चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसराइल ऐसा पहला देश नहीं है। इसके पहले यूनाइटेड किंगडम और यूएसए
ऐसे दो विकसित देशों ने भी इसी प्रकार के फैसले सुनाए और वहां पे भी यही प्रतिक्रिया हुई है। इसका मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में, यूके में जो एक केस हुआ था जिसमें शमीमा बेगम, जो आइसिस ब्राइड्स के नाम से जो बहुत फेमस हुआ था, बांग्लादेशी मूल की ये महिला है और ये आइसिस सीरिया में जाके आइसिस के साथ, जिहादियों के साथ ये रही, तो वेस्टर्नर्स इसको आइसिस ब्राइड यानी कि आइसिस, मैं यहाँ पे औरत शब्द का इस्तेमाल करूंगा, बहू या पत्नी शब्द जो है उसमें नहीं बैठता है, तो उनके साथ ये रही और जब सारे आइसिस के जिहादी मारे गए तब ये वापस यूके आना चाह रही थी, यूके ने दरवाजे बंद कर दिए। ये यूके की नागरिक है और मूलतः बांग्लादेश की है और इसके बाद ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने भी बड़ा हंगामा मचाया। तो यूनाइटेड किंगडम जैसा एक देश जो, उन्होंने ये कहा कि इंडिविजुअल राइट्स कैन नॉट बी सुपरसीडेड ओवर पब्लिक सेफ्टी, तो जो पूरे देश के लोगों की सेफ्टी है उसके सामने एक इंडिविजुअल का राइट जो है वो सर्वोपरि नहीं होगा। तो मैं दुबे जी से समझता हूं, दुबे जी क्या ऐसा करने के लिए कोई बहुत बड़ी संवैधानिक एक्सरसाइज की आवश्यकता है या ये केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक आध निर्णय से हो सकता है या इसको भारत सरकार को कोई इसके लिए संवैधानिक कोई व्यवस्था बदलनी पड़ेगी? क्या इतनी मुश्किल बात है कि हिंदुस्तान में जबकि इसराइल से ज्यादा गद्दारों की संख्या है फिर भी हम इसको नहीं कर पा रहे? देखिए, हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था दे रखी है उन्होंने आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, उसमें ये व्यवस्था दे रखी है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश का नागरिक हो जाता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो भारत में नागरिकता समाप्त होने का एक ही साधन हमने दे रखा है उसमें। तो जहां तक मुझे लगता है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसमें क्लॉज 2 जोड़ना चाहिए और क्लॉज 2 ये जोड़ना चाहिए कि सेक्शन 124 कैपिटल ए या देशद्रोह के आरोप में जो दंडित हो चुके हैं उनकी भी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, एक क्लॉज इसमें जोड़ा जा सकता है। दूसरा, मुझे लगता है कि आर्टिकल 141 के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस पर स्ट्रक्चर पास कर सकता है और वो स्ट्रक्चर सरकार के पास जा सकता है कि सरकार उसको अमेंड कर ले, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे। CAA का जो मतलब जो सिटीजनशिप एक्ट हमारे पास है 1955-56 का, सिटीजनशिप एक्ट सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप की व्यवस्था दे रखी है कि कौन कैसे कब किन परिस्थितियों में सिटीजन होगा। तो मुझे लगता है एक क्लॉज उसमें डालने की आवश्यकता है ताकि क्लैरिटी हो जाए बिल्कुल कि भाई नागरिकता हमारी चली जाती है अगर हम देशद्रोह के आरोप में दंडित तो हो जाते हैं। आरोप लगते हैं कोर्ट में, जब वो जेल में बंद होता है तो जेल में बंद होते समय तो वैसे भी वो कोई राइट नहीं होता, वो कॉन्फिस्केट होता है, लेकिन मुझे लगता है कि नागरिकता के कानून में इस तरह से संशोधन लाया जा सकता है और लाया जाना चाहिए। जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन के इस सिटीजनशिप वाले पोर्शन में मतलब पार्ट 2 में संशोधन ले आए उसके बाद फिर सिटीजनशिप एक्ट में भी संशोधन आसानी से लाया जा सकता है। नहीं क्या, लेकिन इसके लिए कोई संयुक्त अधिवेशन या कोई विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता या जैसे CAA आया था? नहीं, CAA आया था वो कानून था। हाँ, अभी पहले संविधान में संशोधन की आवश्यकता है तो हमें यहाँ पर नागरिकता देने की विधि बता रखी है उसने ऑलरेडी कि भारत में एक ऐसा कमीशन होगा, उस कमीशन के सामने प्रेजेंट होना होगा, उस कमीशन के सामने ये सिद्ध करना पड़ता है, वो प्रोसीजरल मैकेनिज्म ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है पार्ट 2 में। वो तो मिलने की है ना, वो तो छीनने की नहीं है, मिलने की है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि कानून वो नागरिकता छीनने का सिर्फ एक ही प्रावधान है और वो प्रावधान ये कहता है कि आप दूसरे देश के नागरिक हो जाते हैं तो फिर आपकी नागरिकता यहाँ स्वतः समाप्त हो जाती है। तो ये तो मन से तो ऑलरेडी दूसरे देश के नागरिक है ही। नहीं, मन से दूसरे देश के तो वो प्रूफ करना पड़ता है, भारत में जुडिशियल सिस्टम में प्रूफ करना पड़ता है। मैं आपको देखो, भारत के कानून की व्यवस्था में हालांकि थोड़ा सा इंटरवेंशन है, मैं आज पटना हाई कोर्ट के एक सस्पेंशन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, एक जज साहब ने 4 दिन में रेप केस का जजमेंट कर दिया, इस बात पर उनका निलंबन हुआ और सुप्रीम कोर्ट में वो निलंबन के खिलाफ आए कि यहाँ जल्दी जजमेंट करना भी यहाँ बहुत गड़बड़ बात है, 4 दिन में जजमेंट कैसे कर दिया।
और उस बात पर पटना हाईकोर्ट ने उनसे निलंब मतलब शो कॉज नोटिस मांग लिया कि चार दिन में जजमेंट कैसे हो सकता है, एक दिन में आपने लाइफ इंप्रिजनमेंट का जजमेंट कैसे कर दिया। तो जस्सा बेचारे फंसे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट आ गए और ये बताने आ गए कि हमने क्या गलत कर दिया, हमने तो जल्दी जजमेंट किया है, अर्ली हियरिंग राइट, वो जो कहते हैं ना कि जल्दी जजमेंट होना और वो डिले और डाई और सब दुनिया भर का, हमने तो जल्दी किया लेकिन हम यहाँ पर ऐसे हो गए। तो भारत में कानूनों का संशोधन, भारत में इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा कठिन काम है, लेकिन जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दे रखी है वो प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जा सकती है और बहुत बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर रहे, हम जो संशोधन करने जा रहे हैं वो सिटीजनशिप में करने जा रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारे यहाँ पार्ट टू में, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का जो प्रोविजन 368 में दे रखा है 368 के तहत लाया जा सकता है। जब आप बात कहते हैं कि पूरा बोथ हाउस बिठाएं, तो वो उन परिस्थितियों में जिस परिस्थिति में हम दोनों हाउसेस में उसको पारित नहीं कर सकते हैं तो फिर हम ज्वाइंट सेशन बुलाकर भी वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि केंद्र की जो इस समय की सरकार है उसके पास मेजोरिटी है और उसमें संशोधन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी जैसा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, स्ट्रक्चर पास कर सकता है, स्ट्रक्चर पास करके आर्टिकल 141 का वो सहारा लेकर इस पर ऑर्डर कर सकता है और हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी और पॉलिटिकली मुझे लगता है पॉलिटिकल विल बनानी पड़ेगी हमारे देश में कि भाई हमें ये करना है, और ये करने के लिए जनता के अंदर जो माहौल बनना चाहिए, बहुत सारे यहाँ पर बातें रहती हैं, तो मुझे लगता है सुदर्शन ने जिस प्रकार से इनिशिएट किया है इस पर एक मूवमेंट देश में और देश की जनभावना जब तैयार होगी तो मुझे लगता है कि सरकारों के पास भी ये बात जाएगी कि ये भी किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे 124 कैपिटल ए कांग्रेस ने कह दिया कि साहब हम तो इस पे करते ही नहीं है, लेकिन सवाल यहां पर पैदा हुआ कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा कहने पर भी 124 कैपिटल ए लगा दिया, क्या हनुमान चालीसा करेंगे तो फिर आप देशद्रोही हैं। हालांकि हनुमान जी ने वो काम पूरा कर लिया, उसको कानून की जरूरत नहीं पड़ी, सरकार चली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब वो चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने 124 कैपिटल ए के लिए ये कह दिया कि भाई इस पर रिव्यू होना चाहिए, केंद्र सरकार ने कहा हाँ हम इसको खत्म करने के पक्ष में नहीं लेकिन हम इस पक्ष में जरूर हैं कि इसकी आज के परिप्रेक्ष्य में क्या कितनी उपयोगिता और कैसे इसको अमेंड किया जाए और क्या रिव्यू करके नया बनाया जाए, इस पर काम अभी चल रहा है। तो एक तो पार्टी ये कहती है या लोग ये कहते हैं कि साहब 124 कैपिटल ए की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम तो देशद्रोह करें और हमारे ऊपर आप प्रश्न भी ना खड़ा करें, और दूसरी तरफ हम कुछ कंट्री ये कह रहे हैं कि नहीं आप अगर देशद्रोही हैं तो फिर हम आपकी नागरिकता भी खत्म कर देंगे, आपको पनिश तो करेंगे ही करेंगे लेकिन हम आपकी नागरिकता भी खत्म कर देंगे और आपका खेल ही भारत से खत्म कर देंगे, आपका कोई राइट भारत पर नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि भारत में इस तरह के कानूनों की आवश्यकता है और बड़ी घोर आवश्यकता है, लेकिन बात कहीं ना कहीं से मस्तिष्क में आनी चाहिए। तो सुदर्शन का ये जो योगदान है कि आप इसको निकाल रहे हैं, और मतलब मेरे दिमाग में भी ये कभी आइडिया नहीं आया था, मैं बहुत विचार करता हूँ, गहराई से विचार करता हूँ भाई क्या क्या होना चाहिए, लेकिन ये आइडिया कभी नहीं आया कि क्या सिटीजनशिप खत्म होनी चाहिए और सिटीजनशिप खत्म होने के लिए कानूनों में संशोधन की भी आवश्यकता है। हम ये 2018 में ऑलरेडी बड़ा कैंपेन कर चुके हैं जी, तो मुझे लगता है कि ये अब तो क्या हो गया कि इजराइल का निर्णय आ गया तो हमारी जो मांगे थी, सारा कंटेंट था, सारा जो बातें हम कर चुके थे, बस हमने उसको एक तरीके से रीइनिशिएट किया है। हम चाहते हैं कि इजराइल को फॉलो करने की इच्छा रखने वाला बड़ा वर्ग सरकार में भी है या समाज में भी है तो उनको पुनः ये याद दिलाया जाए कि देखो भाई जो हम पीछे कह रहे थे वो यह हो रहा है। अच्छा दुबे जी, इसमें बड़ी विशेष बात है, शायद सिद्धार्थ जी इसको बता पाए। ऑलरेडी भारत में जो राज्य व्यवस्था थी, अंग्रेजों की पहले की व्यवस्था थी, उसमें नागरिकता छीनी जाने की व्यवस्था थी। नागर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, डीके दुबे जी के पास चलते हैं। दुबे जी, इन 10 सवालों के कुछ सवालों पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन भारत जैसे देश में न्यायपालिका ये क्यों नहीं सोच रही है जो इसराइल की सोच रही है? कारण मैंने बता दिया, जो मुझे लगता है आप क्योंकि उस प्रक्रिया के एक अहम हिस्सा है, इसलिए आप क्या देखते हैं कि भारत की न्यायपालिका जो कि कपड़े से लेकर सब कुछ अभी भी अंग्रेजों के स्टाइल में चल रही है, छुट्टियां भी जज साहब वैसी लेते हैं जैसे जजों को तब हवाई पानी के जहाज से लंदन जाना पड़ता था, वापस आना पड़ता था, इसमें जितने दिन लगते थे उतनी लंबी छुट्टी आज भी हमारे यहाँ चल रही है, तो हमारा व्यवस्था का भाव भी वही है, मानसिकता भी वही है, या कुछ और कारण है? दुबे जी,
नहीं, मुझे लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने एक बात आती है कि बहुत कम केसेस में स्यू मोटो कोर्ट एक्शन लेता है। जनरली हम या तो पीआईएल के माध्यम से जाते हैं या इस तरह का जैसे सेक्शन 124 कैपिटल ए आईपीसी का केस ऑनरेबल कोर्ट के पास गया तो उस समय अगर प्लीड किया जाए साथ में तो कोर्ट उस पर भी विचार कर सकता है, और विचार जिस समय होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जाएगा, बड़ी बेंच में जाएगा और बड़ी बेंच में जाएगा, ये प्रक्रिया हमारे यहाँ चलती है। लेकिन सामान्यता इस प्रकार के मुद्दों पर हमारा कोर्ट स्यू मोटो उस पर एक्शन नहीं लेता है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर पीआईएलए कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट निश्चित रूप से उसको सुनेगा। जहां तक मेरी जो जो आपने कोर्ट के स्टाइल की बात की, तो एक बात जो मुझे समझ में आई बीइंग ए प्रैक्टिशनर कि हमारे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो छुट्टियों का सिलसिला है वो कोर्ट के ऊपर प्रेशर बहुत होता है, चूंकि 31 जजेस हमारे पास हैं केवल सुप्रीम कोर्ट में और दो की मिनिमम बेंच बैठती बैठती है और लोड बहुत है, तो हमारे जजेस सुबह 10 बजे कोर्ट में दिखाई देते हैं 10:30 बजे, लेकिन हकीकत वो 9 बजे चैम्बर में आ जाते हैं और शाम के कभी कभी 8, 9, 10 बजे तक वहां ऑर्डर लिखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस समय ऑर्डर लिखना शुरू करता है तो वो ऑर्डर ऐसा नहीं है कि उसने एवे डिसमिस कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया, तो लंबा काम है उनके ऊपर लोड। एक मिनट आप कंटिन्यू करिए, मैं आपको यहाँ इसलिए केवल इंटरप्ट कर रहा हूँ कि चारों स्तंभ जो है, क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री पे लोड कम है? क्या आपको लगता है कि जो मीडिया है वो कम घंटे काम करता है? हम तो नींद में भी जब सोते तब भी उसी पे काम करते हैं, उठने से लेकर रात सबसे ज्यादा बिजी है। हम अगर ऐसा कहेंगे तो फिर कैसे होगा? मैं तो शनिवार रविवार की भी छुट्टी नहीं लेता हूं, दिवाली की भी नहीं लेता हूं, 365 दिन उपलब्ध हूं, तो फिर मुझे जज साहब के पास देखकर, इस व्यवस्था के पास देखकर मुझे भी कहना चाहिए कि बहुत तनाव का काम करना पड़ता है। बंदूक की गोली वापस आ सकती है लेकिन न्यूज चैनल से निकली हुई बात वापस नहीं आती, और सुदर्शन के शब्दों को तो आप जानते हैं कि कितने अदालतों में चुनौती दी जाती है। तो जो आप कह रहे हैं उतना पर्याप्त नहीं है? नहीं, मेरा मानना यह है कि जब जजमेंट, आप पूरी बात थोड़ा मैं कर दूं, क्योंकि जजमेंट जिस समय कोर्ट करता है तो कोर्ट बैठता भले ही 3 घंटे हो कोर्ट में, लेकिन हकीकत है कि उसको शाम को अगर 4 जजमेंट लिखाने तो 100-100 पेज के जजमेंट लिखवाने पड़ते हैं, टाइम बहुत कम होता है। जैसे आप एक शो दिन में करते हैं तो कोई सोचने वाला ये भी कह सकता है कि नहीं साहब आप एक शो करते हैं पूरे दिन तो आप आराम करते हैं, हकीकत यह है कि आप पीछे कितना बैकहेंड पर काम करके आए हैं वो इस शो में, एक ही शो में दिखता है। तो ऑनरेबल कोर्ट का भी जजमेंट, चूंकि वो प्रेसिडेंट बनता है देश के लिए, इसलिए कोर्ट पीछे बैकहेंड पर बहुत काम करता है, बड़ी टीम होती है उसके साथ वो काम करता है इसकी, और कम से कम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। चलिए खैर हम उस पर विस्तार में जाएंगे क्योंकि हम व्यवस्था परिवर्तन की एक मेगा सीरीज लेकर आने वाले हैं जिसमें हम ये न्याय व्यवस्था के भी परिवर्तन में इस पर बात करें। आज बात यह है, चलिए ये बीजी है सब ठीक है, लेकिन न्याय तंत्र इजराइल की सोच में क्यों नहीं सोच रहा है? बिल्कुल सोचा जा सकता है, और ऐसा है कि जजमेंट हमारे यहाँ की जो रिफॉर्म की आवश्यकता है, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रिफॉर्म की आवश्यकता है हमारे यहाँ, होता क्या है कि हमारी एक बेंच कुछ कह रही है कभी दूसरी बेंच कुछ और कहती है, और मालूम पड़ा बड़ी बेंच कुछ और कह रही है, और हम जब हाई कोर्ट में लेकर जाते हैं तो छोटी बेंच का जजमेंट अगर अपने को सूट करता है तो अपन छोटी बेंच का जजमेंट वहां पर लगा देते हैं, छोटे कोर्ट में हम छोटी बेंच का जजमेंट करवा लेते हैं और जजमेंट करवा भी लाते हैं अपने फेवर में। होता क्या है कि उस हो सकता है कि उस जजमेंट को ओवर रूल बड़ी बेंच कर चुकी हो, लेकिन हमारे न्यायालयों में अभी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है कि हम कैसे पता करें कि कौन सा जजमेंट ओवर रूल हो चुका है और उस पर क्या क्या पहलू आ चुके हैं। तो रिफॉर्म की बिल्कुल जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो होता क्या है कि बहुत सारे जजमेंट हमारे पास ऐसे करे पड़े हैं जिनमें इस प्रकार के ऑर्डर हुए हैं, लेकिन वो ऑर्डर कितने प्रासंगिक हैं, वो कहां कोडिफाई किए गए हैं, वो कैसे पब्लिसाइज करे जाएं, या वो बाइंडिंग नेचर के कैसे करवाए जाएं, ये बड़ी समस्या है। मैं आपको याद दिलाता हूं, कानपुर का गंगा का केस, आप एमसी मेहता का जजमेंट आया था और एमसी मेहता के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और उत्तर प्रदेश ने उसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया, लंबे समय तक कोर्ट ने फिर से कुछ वर्षों बाद उनको रिमाइंड किया गया तो फिर नहीं किया, तो ये लंबे समय तक चलता रहा। अभी योगी सरकार जब बैठी 1997 का जजमेंट और योगी जी की सरकार बैठी तो उन्होंने इंप्लीमेंट किया कि भाई गंगा जी की सफाई होनी चाहिए, कानपुर में ये टेंडरी बंद होनी चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो मैकेनिज्म है उसकी रिफॉर्म की बहुत आवश्यकता है। एक कोर्ट का जजमेंट मालूम पड़ा हो गया है, पड़ा है और अभी अपने पास आ गया नहीं, तो इस प्रकार के जजमेंट हो चुके हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि उनका कोडिफिकेशन हम एक जगह पर नहीं कर पाए हैं, उनको संहिता के रूप में नहीं बदल पाए हैं, उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए वैसे नहीं बदल पाए हैं, और मालूम पड़ा तब तक कोई बड़ी बेंच का दूसरा जजमेंट आ गया और वो जो बड़ा जजमेंट आया वो पब्लिक में चला गया और वो पब्लिक डोमेन पर कुछ और कर गया। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें, वो आपने देखा भी होगा कि जो डबल बेंच ने
टिप्पणी कर दी नूपुर शर्मा के मामले में, तो ऐसी टिप्पणियां भी हमारे यहाँ आती हैं। बाद में तीन जजों की बेंच में विरोधाभास, तो ऐसा बहुत चीजें हम कोट कर सकते हैं। लेकिन मैं दुबे जी से समझ लेता हूँ, क्योंकि दुबे जी जैसे रोहिंग्या यहाँ पर आए हैं कुछ समय के लिए, यूनाइटेड नेशन की व्यवस्था से आए हैं, कुछ समय से ले आए ऐसा ही कहा जा रहा है। अब उन्होंने यहाँ पर करीब 1,23,722 बच्चे पैदा कर दिए हैं। अब उनको भारत के नागरिकता कानून के अनुसार तो नागरिकता मिलेगी, लेकिन इनको बाहर जब जाने के लिए हम कहेंगे, जब भी व्यवस्था के अनुरूप इनको जाने होगा, तो इनके बच्चों का क्या होगा? ये कानून क्या कहता है? नहीं, कानून तो ये कहता है कि हमारे यहाँ सिटीजनशिप की व्यवस्था में बर्थ पर कर्ता है, और इस आधार पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा कि जो तिब्बतन है, तिब्बतन के बच्चों को नागरिकता दी है, इसलिए ये एक बड़ी एनोमली तैयार होगी। हालांकि केंद्र की आज की सरकार लगातार ये कह रही है कि नहीं, इनको आगे से इनकी जो अगली पीढ़ियां हैं इनको हम कोई व्यवस्था नहीं देते, क्योंकि हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, रिफ्यूजीज कन्वेंशन के पार्ट नहीं हैं, इसलिए हम इस व्यवस्था को नहीं मानते और हम इनको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट आगे देने के लिए राजी नहीं है, हम इनको वापस ही भेजेंगे। लेकिन कानूनन मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें लोगों ने डाली हुई हैं रोहिंग्या को लेकर, खासतौर से ये वेस्ट बंगाल वालों ने डाली हुई, और उन्होंने कहा है सर जो बच्चे पैदा हो गए हैं उनका क्या होगा, और जो बच्चा अगर नागरिक हो गया तो उसके माँ बाप यहाँ पर रह रहे हैं तो वो अपने आप नागरिक, उनको भी नागरिकता दे दो, क्योंकि वो तो उनके पिता माता हैं, उनसे कैसे वंचित किया जा सकता है। ये एक बड़ी एनोमली है, इस पर बड़ी क्लियरिटी की आवश्यकता है हमें लगता है। और सुप्रीम कोर्ट में वो लिस्पेंडेंस है मामला, सुप्रीम कोर्ट में लिस्पेंडेंस है मामला, और इसी बात पर निर्णय होना है कि भाई जो यहाँ पैदा हो गया उसका क्या होगा, जबकि भारत सरकार लगातार ये कह रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी कह रही है कि जो लोग भी हम, चूंकि यूनाइटेड नेशन का जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है उसके पार्ट नहीं है, इसलिए हम तो ये रिफ्यूजियों जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो इलीगल घुसाए हैं या जिनको हमने यहाँ पर अस्थायी रूप से रखा, हम इनके लिए ही दायी नहीं है, तो अगली पीढ़ी तो बायकॉट होनी चाहिए, इसका हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन अब क्या निर्णय होता है ये कोर्ट डिसाइड करेगा, वो आगे की बात है। लेकिन एक बात जो मेरे मन में आ रही है कि यहाँ भारत में सिटीजनशिप लेने का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ये, मतलब जो अभी आपसे बात करते समय मेरे दिमाग पे आई कि वो जो व्यवस्था है कि जो भारत में स्थायी रूप से आ गया है और स्थायी रूप से रहना चाहता है और उसका इंटेंशन क्लियर है भारत में, वो भारत की नागरिकता ले सकता है। लेकिन वहां ये कुछ नहीं, कहीं पर ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो एटलीस्ट नहीं लिखा है कि आप भारत के लिए लॉयल होने चाहिए, भारत के प्रति आप ये रहेंगे और आप जहां से आए हैं वहां की लॉयल्टी आपको छोड़नी पड़ेगी, और भारत में अगर कुछ ऐसी गतिविधि करते हैं तो फिर आपको वापस देना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था मुझे लगता है कि नहीं लिखा है। ये भी हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम नागरिकता जो पहले से हैं उनकी तो छोड़ दीजिए, जिनको हम नहीं दे रहे हैं उनको भी ये कंडीशन नहीं लगा रहे। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि मुझे अवसर मिलेगा तो मैं इस संविधान को आग लगा दूंगा, बराबर है ना? हाँ बिल्कुल, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन बिल्कुल पर, बिल्कुल ये दुबे जी के पास चलते हैं। दुबे जी, क्योंकि हम, मैं फिर कह रहा हूं कि मुस्लिम हिंदू परिपेक्ष में ही स्वाभाविकता इस चर्चा की तरफ हम लेकर जा रहे हैं। हम इस्लाम के दृष्टिकोण से भी देखें तो इस्लाम भी पैन इस्लाम मानता है, मतलब कोई देश नहीं मानता है, ग्लोबल सिटीजन एक तरीके से अपने आप को मानता है। तो वैसे भी उसको नागरिकता के इस विषय में बांधने का प्रयास, जो कि बाबा साहब ने भी कहा है कि ये देशभक्ति और एक साथ नहीं चल सकता, तो कैसे हो सकता है? दुबे जी, ये देखिए ऐसा है कि हमारे देश की एक बड़ी बड़ी समस्या है, जब हम ये कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान से ही लोग पाकिस्तान गए और वहां पर ये चल रहा है, तो फिर वहां पर बात होनी शुरू होती है, पाकिस्तान से कंपेयर मत करिए हमको। जब हम कहते हैं कि भाई आप सऊदी अरेबिया को अपना अग्रणी मानते हो, वहां से कंपेयर, तो कहते हैं वहां से कंपेयर मत करिए, हम तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। और जब हिंदुस्तान के अंदर हम कहते हैं कि भाई भारत के लॉयल हो जाओ, तो कहते हैं कि नहीं हम मुसलमान हैं। ये हमारे यहाँ जो समस्या खड़ी की गई वो तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के टाइम पर ही खड़ी की गई। मैंने एक बार और आपसे चर्चा की थी कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन के जो ये सदस्य बने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, उसमें मुस्लिम लीग की, मतलब पाकिस्तान बनने के बावजूद मुस्लिम लीग के बहुत सारे सदस्य रह गए, और मजे की बात यह है कि वो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में भाग लेते रहे, और लेने के बाद जो अपना रोल था वो प्ले करने के बाद वो पाकिस्तान जाते रहे। ये समस्या उस समय जर्मिनेट कर दी गई थी जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फ्रेम हो रहा था। मजे की बात यह है कि उसके बाद हमने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। अब जैसे सीए के संशोधन आए या सरकार संशोधन
करना चाहती है पिछले 8-10 साल से, तो फिर ये हो रहा है कि नहीं साहब ये तो हमारे विरुद्ध जा रहे हैं, ये हमारे हम ही को टारगेट कर रहे हैं और ये बहुत सारी चीजें। तो ये मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय ही शुरू कर दी गई थी, तुष्टिकरण की पॉलिसी के आधार पर ही कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण भी उस समय हुआ था और उसका इंप्लीमेंटेशन भी भारत में करवाया गया। तो ये जो पूरी की पूरी समस्या है उसकी जड़ 1947 ही है और आज भी 47 की ही जड़ पर हम चल रहे हैं। तो रिफॉर्म की पूरे सभी जगह की आवश्यकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए सभी को पैरिटी पर रखना। तो जब भी आप इस तरह की बात करेंगे तो कहेंगे पाकिस्तान से कंपेयर मत करिए, सऊदीया से कंपेयर मत करिए, लेकिन हमारा जब विषय आएगा तो साहब हम तो वहीं के हैं, हमारे लॉयल तो हम लॉयल वहीं के, हाँ कंपेयर हमको उनसे मत करिए, कंपेयर हमें भारत में करिए, लेकिन हमारी लॉयल्टी वहां पर फिट करिए, लॉयल्टी यहां पर मत करिए। ये एक बड़ी समस्या भारत की है जिस पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पूरे देश के एक एक व्यक्ति को काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि आज